जातक कथा नंबर 69, विश्ववंत जातक। ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज्ञानवर्धक है। सारनाथ का एक व्यक्ति तक्षला जाता है। तक्षला में उस समय बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी और ख़ास तौर से वहाँ जो मेडिकल साइंस है वो पढ़ाई जाती थी। जीवक भी वहीं से पढ़े थे जो भगवान बुद्ध के वैद्य भी थे और बिंबिसार के भी वैद्य थे। और जीवक बहुत बड़े डॉक्टर आज की भाषा में कहते हुए हैं। कहानी है, क्योंकि जातक कथाओं की जो कहानी होती है वो इस बात के लिए फेमस होती है कि उसमें कहा क्या गया है और वो आपके चरित्र को निर्माण करने में आप क्या मॉरल मैसेज वो आपको देती है। तो सारनाथ के एक मालवक वहाँ वैद्य की शिक्षा लेने, यानी कि भैसज्जय की, भैसज्जय पाली में बोलते हैं वैद्य को या डॉक्टर को, भैसज्जय की शिक्षा लेने के लिए तक्षला यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से पढ़ के आए। और वहाँ से वो विष का उपचार करने का, सभी जितने भी प्रकार के जो विष होते हैं यानी जहर होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, उनको उपचार करने के लिए वो आए, ख़ास तौर से सांप का। जब वो सीख के यहाँ आ गए तो सारनाथ यानी बनारस यानी काशी या वाराणसी में उन्होंने अपना वैद्य काम शुरू किया और विश्व वैद्य के नाम से या विश्व भैसज्ज के नाम से वो फेमस हुए, विश्व भैसज्ज। गांव में खेत में एक किसान काम कर रहा था। काम करते करते उसका पैर एक काले सांप पे जा पड़ा। सांप ने अपनी जीवन रक्षा में उसको डस लिया। दसने के बाद घर वालों ने तुरंत ही जो विश्व वैद्य थे उनको सूचना दी और वो अपना औषधि ले के वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि पैर पे सांप ने काटा है और वहाँ काले धब्बे हो गए हैं और शरीर नीला पड़ रहा है और ये जो मरीज है वो चीर निद्रा में सोया हुआ है। देखा बच जाएगा, चूँकि उन्हें अपनी विद्या पे, अपनी जानकारी पे जो उन्होंने सीखा था तक्षला से बड़ा भरोसा था। तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे ठीक करूं, इसको जड़ी बूटी से ठीक करूं, दवाई से ठीक करूं, या उसी सांप को बुलाऊं जो अपने जहर को वापस ले। सांप कभी जहर वापस नहीं लेते और आते भी नहीं हैं, मगर कथा है, कथा में आप इसको ध्यान दीजिए कि वो जो कहानी है वो बेसिकली मैसेज क्या दे रही है, उसने क्या आपको दिया है। तो गाँव वालों ने कहा कि सांप को बुला कर ही वो अपना विष वापस लेगा, उसको बुलाइए। अमूमन गांव वाले ऐसा ही पसंद करते थे। कहानी के अनुसार वो उस जंगल में जाता है, वहाँ वो बीन बजाता है और बीन बजा के उस सांप को लेके आता है। सांप सोया हुआ होता है, बीन की मस्ती में वो उसके साथ साथ चलता हुआ आ जाता है। वहाँ आके वो सांप से वार्तालाप करता है। कहानी है, कहानी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें सांप का बात करना या बीन पे आना ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, मगर कहानी है, क्योंकि कहानियों के थ्रू बहुत सारी चीज़ें भगवान बुद्ध के समय भाड़क बताया करते थे। तो वो सांप से कहता है कि तूने इसको डसा है और तू अपना जहर वापस ले। वो बीन बजाता है, सांप कहता है कि जिसको जीवन रक्षा के लिए मैंने एक बार विष को उगल दिया, यानी जिसको मैंने विष दे दिया, मार दिया अपनी जीवन रक्षा के लिए, मैं अब दोबारा उस विष को वापस नहीं लूँगा, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि सांप बीन पे सारा बस में आ चुका था, तो वो जो वैद्य था उसने कहा कि अगर तू वापस नहीं आएगा तो फिर तुझे आग में कूदना होगा, और उसने वहाँ आग जला दी। आग जलाने के बाद में उसने बीन तेज बनाई और पूरा सांप उसके कब्जे में आ गया। अचानक सांप झूमते झूमते रुका और उसने कहा, अगर रुको, मैं आग में जल के मरने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं जहर वापस नहीं लूँगा, और वो आग में कूदने की तैयारी करने लगा। जो वैद्य था, विष वैद्य था, उसका माता ठनका, उसने कहा, रुको, तुम आग में मत कूदो, तुम कोई मुझे बहुत पुराने समय के कोई साधक लगते हो, कोई ऐसे लगते हो जिसने बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय किया हुआ या जिसने बहुत ज़्यादा अधिष्ठान किया है। अधिष्ठान उसको बोलते हैं जो साधना में बिना हिले डुले कई कई घंटे तक लगातार ध्यान में मग्न रहते हैं, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। तुमने अधिष्ठान किया हुआ है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और उसने उसको, मरीज को, जड़ी बूटी से ठीक कर दिया,
जीवित हो गया। इस कहानी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो व्यक्ति अपनी बात का पक्का होता है और जो व्यक्ति अपने जीवन बचाने के लिए या अपने समुदाय या अपने देश या अपना दुनिया या अपना परिवार बचाने के लिए अगर कोई एक अच्छा कदम उठा लेता है तो फिर वो किसी भी मजबूरी में उस अच्छे कदम को वापस नहीं लेता, चाहे वो जान देनी पड़े उसे, चाहे वो मर जाए। ये इस कहानी का पूरा मैसेज है। सांप चाहता तो जहर को वापस ले सकता था, मगर जहर को वापस लेने से उसका जीवन बचाने का नियम टूटता है, क्योंकि नियम यह है कि अगर किसी ने नुकसान किया है क्योंकि उसका पैर सांप पे पड़ा और सांप ने जीवन रक्षा में उसको काटा, तो उसका एक नियम है कि जब भी उसे कोई मारेगा या काटेगा वो उसको डसेगा। ये उसका नियम है, ये उसका जीवन का नियम है। वो अपने नियम से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर नियम तोड़ेगा तो फिर तो उसे कोई भी मार देगा, कोई भी ख़त्म कर देगा, फिर तो सांपों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही उन्होंने एक मैसेज दिया इस कथा से, जो विश्ववंत कथा है 69 नंबर, कि जीवन में अच्छा कदम अगर एक बार उठा दिया जाए, चाहे वो समुदाय के लिए, चाहे परिवार के लिए, या अपने लिए, या देश के लिए, या राज्य के लिए, अगर वो हित में एक कदम उठा दिया जाए तो फिर चाहे कितनी मजबूरी आ जाए वो कदम वापस नहीं लेना है। और अगर वो कदम आपने वापस लिया तो आप बहुत ज़्यादा दृढ़ व्यक्ति नहीं हैं, आप एक बहुत कमज़ोर मन के व्यक्ति हैं। जो एक अच्छे कदम को वापस ले सकता है वो बहुत सारे खराब कदम भी अपनी जान बचाने के लिए उठा सकता है। इसलिए अच्छी बात के लिए जहाँ तक भी जाना पड़े वहाँ तक जाना चाहिए, अच्छे काम के लिए जितने कदम उठाने हैं वो आगे ही बढ़ने चाहिए, पीछे नहीं हटने चाहिए ये सोचते हुए कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मेरा जीवन चला जाएगा, मेरी जान नहीं बचेगी, इसलिए मैं पीछे हटता हूँ। ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट आज के समय में इसलिए है क्योंकि आज के समय में अधिकतर लोग अपने जीवन को बचाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को आग में झोंक देते हैं। वो एक कदम जो अच्छा उठाते हैं उस दबाव में आने के बाद में उस कदम को पीछे ले जाते हैं, और उनके उस कदम से जो लोगों का भरोसा होता है, जो लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई होती हैं, जो देश ने उम्मीद लगाई होती हैं, जो दुनिया ने उम्मीद लगाई होती हैं, उसको वो तोड़ देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये सांप यही संदेश देता है, मरने के लिए तैयार था मगर वो किसी भी हालत में अपना किया हुआ अच्छा काम वापस लेने को तैयार नहीं था, चाहे भले ही उसमें कुछ भी हो जाए। धन्यवाद।